अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे मैं होम्योपैथिक डॉक्टर शराजी आप सब को मेरे चैनल में बहुत बहुत वेलकम आज मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन सी 200 टू हंड्रेड और सीपिया वन एम्पोटेंसी के बेनिफिट्स बताऊंगा इसके यूज़ तरीक़ाकार वगैरह कहाँ से आपको मिलेगी सारा कुछ बताऊंगा कितनी देर तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ये भी बताऊंगा शुरुआत से पहले आपसे गुजारिश है कि आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन कर दें ताकि मैं जैसे ही न्यू पोस्ट करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए फ्रेंड्स वीडियो को फुल वॉच करें एंड तक देखें अगर आप को सिपिया की जरूरत है तो आप ये वीडियो देखकर जान सकें कि सपिया मेडिसिन के बेनिफिट्स डिटेल्स वगैरह सारी कुछ क्या है ताकि जो है आपको पहले समझ आ जाए क्योंकि बहुत से लोग बाद में WhatsApp पे पूछते हैं कमेंट सेक्शन पर पूछते हैं कि प्राइस क्या है तरीका क्या है ये सारा कुछ ताकि आप वीडियो फुल वाच कर लें ताकि आपको सारी समझ आ जाए फ्रेंड्स सिपिया होम्योपैथिक मेडिसन जो है खासकर सांवली और जो काले रंग की तीन है ब्लैक कलर की इनमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है यूट्रस पर इसका बेहतरीन रिजल्ट है ये खासकर महिलाओं में तीन में इस्तेमाल की जाने वाली मेडिसन है सिपिया मेडिसन दिल और जिगर के दरमियान जो खून की आमदोरफ़त है उस पर इसका बेहतरीन रिजल्ट है इसके अलावा अगर वेंस में नाड़ वगैरह में अगर खून क्लाट हो जाए खून जमा हो जाए तो उसको ठीक करने के लिए खून अगर कहीं पर रुक गया जिसम के किसी भी हिस्से में तो उसकी आमदोरफ़त को ठीक करने के लिए ब्लड क्लाट को ठीक करने के लिए ये मेडिसन इस्तेमाल की जाती है इसके अलावा यूट्रस पर इसका अच्छा लट्स है सीपिया की जो मरीज़ा है ये टांग पर टांग चढ़ा बैठती हैं इसके अलावा जो पानी में ज़्यादातर काम करने वाली खातियाँ हैं जो दोबन हैं जिनके पाँव हर वक़्त गीले रहते हैं या पानी में हर वक़्त रहती हैं ऐसी खातिन के लिए ये मेडिसन बहुत ही अच्छा लट देती है इसके अलावा ये गायनी के केसेस में इस्तेमाल की जाने वाली मेडिसन है जनाना अमराज पर हास असर करती है जनाना अमराज में दर्द जो है नीचे तक अगर हो और साथ कमर में भी दर्द हो तो इस मेडिसन का इंतब किया जाता है इसके अलावा असक़ात हमल का अगर मसला हुआ नई नई शादी हुई फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी हुई और असकात हमल हो गया हमल ज़ाया हो गया फिर से अगर प्रेगनेंसी हुई तो हमल ज़ाया हो गया बार बार अगर स्क़ाते हमल का मसला हो रहा है यूट्रस या फिर बच्चा दानी का कोई मसला है तो उसको ठीक करने के लिए सीपिया मेडिसन इस्तेमाल की जाती है इसके अलावा सीपिया की जो मरीज़ा हैं इनको सर्दी जो है आसानी लग जाती है इसके अलावा हवातीन जो हैं थकी हुई गमगीन जो अपना मर्ज़ बताते हुए रो पड़ती हैं अगर किसी डॉक्टर के पास वो गई या फिर किसी भी बंदे के पास बैठी हैं अपनी बात शेयर करती हैं तो बात करते वक्त वो रोने लग जाती हैं इंतहाई गमगीन ऐसी खातीन के लिए ये मेडिसन इस्तेमाल की जाती है इसके अलावा सिपिया की पेशेंट्स जो है अगर कोई उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है मोहब्बत करता है उसके साथ सच्चे दिल से चल है तो ये उससे लापरवाह है उसकी परवाह नहीं करती इसके अलावा इसमें चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा पाया जाता है तो ऐसी खवाीन के लिए सिपिया मेडिसन बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है इसके अलावा खवातन में माहवारी का अगर मसला चल रहा है पीरियड्स इेगुलर हैं एक तो पीरियड्स आ नहीं रहे अगर आए भी तो बहुत कम आएँ इसके अलावा दो दो तीन तीन महीने पीरियड्स अगर नहीं आ रहे फिर पीरियड्स आना शुरू हो गए तो मकदार में बहुत ज़्यादा आए जिसको इ पीरियड्स बोलते हैं ऐसे केसेस में ये मेडिसन इस्तेमाल की जाती है डेट फिक्स नहीं होती खाती में कि डेट कब कभ आएगी कभी पंद्रह तारीख को कभी सत्रह को कभी इक्कीस को इस तरह अगर मसला चल रहा है तो शिफिया मेडिसन का इंतबाब किया जाता है इसके अलावा कुछ खवान का वज़न कम हो जाता है कुछ खवान का वज़न ज़्यादा हो जाता है इसके अलावा लिकोरिया के, के केसेस में ये मेडिसन इस्तेमाल की जाती है डिस्चार्ज गाढ़ा कभी येलो कलर का और कभी ग्रीन कलर का हो तो सिपिया मेडिसन इस्तेमाल करने से यह मर्ज ठीक हो जाया करता है इसके अलावा रहम का टल जाना यूट्रस अपनी जगह से अगर हट जाए तो इस मेडिसन को इस्तेमाल करने से यह मर्ज़ ठीक हो जाया करता है सिपिया की जो पेशेंट्स है टांग पर टाँग चढ़ाकर बैठती है उसको यह महसूस होता है कि यूट्रस जो है बाहर आ रहा है नीचे की जाने बाहर आ रहा है तो इस मेडिसन का इस्तेमाल किया जाता है उनका दिमाग में ये जो वहम चल रहा होता है कि यूट्रस बाहर आ जाएगा टांग पर टांग चढ़ाकर बैठती हैं तो ऐसी खातिन के लिए सिपिया मेडिसन इस्तेमाल की जाती है बच्चा दानी में अगर सुई चुभने जैसा दर्द हो और दर्द नीचे से ऊपर की जानब जाता हो तो सिपिया मेडिसन इस्तेमाल करने से ये मसला ठीक हो जाएगा इसके अलावा एजड खी जिनकी एज पैंतालीस पचास साल तक है उनको अगर मीनू पास का मसला चल रहा है तो मीनू पास के दिनों अगर उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है पसीना बहुत ज़्यादा आता है तो ऐसी खातान में ये मेडिसन बेहतरीन रिजल्ट देती है खातन अपने मर्ज़ से अगर परेशान हैं उनके साथ घर में अगर कोई डॉक्टर के पास उनको नहीं लेकर जा रहा तो वो अकेली चली जाएंगी डॉक्टर के पास जाकर रोना धोना करेंगी गमगीन मजाज खान ऐसी खातिन के लिए जो है सिपिया मेडिसन बहुत ही अच्छा अलर्ट देती हैं प्रेगनेंसी के मतलब अगर बात की जाए तो खातिन में प्रेगनेंसी के दौरान जो है सुबह सुबह के टाइम मतली या बकाई उल्टी वगैरह का अगर मसला बने तो ये मेडिसन अच्छा अलर्ट जाती है एसिडिटी के लिए डकार वगैरह तजाबियत वगैरह अगर खातिन में बहुत ज़्यादा होती है डिस्पेप्सिया का मसला बन जाता है तो इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से ये मर्ज़ ठीक हो जाता है अगर आपने एलोपैथिक राइजिक डोमपेरीडोन वगैरह मेडिसिन खा ली मसला हल नहीं हो रहा तो सिपिया मेडिसिन को आप ट्राई करें इन अच्छे रिजल्ट देगी मेदे की खराबी के साथ साथ अगर कब्ज़ भी हो तो इस मेडिसिन को इस्तेमाल करें इसके अलावा खवातन को प्रेगनेंसी के दौरान ये फील हो कि डिलीवरी का टाइम आ गया है लेकिन अभी टाइम आया नहीं होता उनको फ़ील होता है यूट्रस में नीचे की जानेब अगर दबाव लगता है तो सपिया मेडिसन इस्तेमाल करने से ये वहम जो है उनका दूर हो जाया करता है प्रेगनेंसी के दौरान खट्टी चटखारी चीज़ें खाने को बहुत ज़्यादा दिल करे तो सपिया मेडिसन इस्तेमाल करें इन श्ला मसला भी ठीक हो जाएगा इसके अलावा मसाने में अगर कोई सिस्ट वग़ैरह बन जाए या फिर पेशाब की नाली में कोई सिस्ट बन जाए इन्फेक्शन हो जाए मसाना फूल जाए सूजन आ जाए तो सिपिया मेडिसन इस्तेमाल की जाती है मेल्स में अगर पीरियड्स के दौरान पीरियड्स आने से पहले या फिर पीरियड्स जब आ चुके हों उन दिनों अगर बहुत ज़्यादा सर दर्द होता है शदीद किस्म का सर दर्द होता है माइग्रेन हो रही है तो सिपिया मेडिसन इस्तेमाल करने से ये मसला इन शाला ठीक हो जाएगा इसके अलावा खवान में अगर चेहरे पर झुरियाँ छाइयाँ वगैरह पड़ गई हैं पिगमेंटेशन का मसला बन गया है तो सपिया मेडिसन को इस्तेमाल किया जाता है इसके अलावा ईचिंग वगैरह के लिए यह मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है प्राइवेट पार्ट्स पर अगर बहुत ज़्यादा ईचिंग खारिश हो रही है तो इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से ये मर्ज़ ठीक हो जाया करता है इनको बाजू और टांगों में हर वक्त बेचैनी रहती है तो सीपिया मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है सीपिया की जो पेशेंट्स हैं खानदान के लोगों से नफरत करती हैं किसी से उनकी बनती नहीं बात बात पर रोना धोना लापरवाह गमगीन चिड़चिड़ापन इसके अलावा बहुत ज़्यादा जल्दी नाराज़ होने वाली ख़ात हैं तो सीपिया मेडिसन से इनका मसला खाल हो जाया करता है बता दूँ कि ये मेडिसन आपने कौन सी पावर में इस्तेमाल करनी है सीपिया टू हंड्रेड पर आप शुरुआत में लें इसके दो से तीन ड्राप्स आपने रोज़ाना इस्तेमाल करने हैं जो जो मैंने साइंस सिम्टम्स बताई अगर आपकी एज ज़्यादा है तो सीपिया वन एम जो है पटेंसी आपने इस्तेमाल करनी है हफ्ते में एक बार इसके दो से तीन ड्राप्स आप डायरेक्टली टांग पर ले लें इन जो 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 माद बताइए लाला के हुक्म से ठीक हो जाएंगी 200 वाली पटेंसी जो है डॉक्टर मसाउथ कंपनी की पाकिस्तान में साढ़े चार सौ की और वन एम वाली जो है ये तकरीबन साढ़े छः सौ से लेकर सात सौ तक होम्योपैथिक की शॉप से आपको आसानी से मिल जाएगी तब अगर आपने कुछ पूछना है या जानना है इलाज कराना चाहते हैं व्हाट्सअप नंबर चाहिए तो नोट कर ले जीरो थ्री वन फाइव सेवन वन ट्रिपल जीरो टू फोर मिलते हैं आप फिर अगली वीडियो में तब तक के लिए लेलकुम अल्लाह हाफिज़ दुआओं में याद रखिएगा